You're trying to save money? आप इसमें से धागा निकालना भूल गए। खुशामदीद, मैं संजीव कपूर इस्तकबाल करता हूं आप सभी का इन ओएसिस फूडशाला प्रेजेंटेड बाय फाइन। आज है हमारा सेकंड लीग राउंड। आज की हमारी दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है साची कुमार, जिनको ट्रैवल करना और अलग अलग कंट्रीज में जाके वहां का खाना ट्राई करना बहुत ज्यादा पसंद है। Hi, I'm Saji Kumar and I have been in Dubai for over 4 years. I have been a food blogger here. I have eaten at 1,000+ restaurants, met so many chefs. I have even traveled so many places around the world. The real essence of food is in its simplest form, and that's what I want to bring to Foodshala Season 9. Inke saath compete karenge Romesa Anwar, jo ek home cook hai और मेरी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज कंपटीशन। हाय, आई एम रोमेसा एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन यूएई। आई स्टार्टेड वाचिंग शेफ संजीव कपूर एट द एज ऑफ 7 or 8 एंड सिंस देन आई रियली वांटेड टू कुक। माय मॉम इन लॉ, शी टॉट मी इवन मोर डिफरेंट डिशेस बिकॉज शी इज फ्रॉम लखनऊ। मल्टी क्यूजींस लेकर आ रही हूँ एक प्लेट पर मैं रोमेसा फूडशाला सीजन 9 में। Sachi, Romesa, welcome to Food Chala Season 9. आप दोनों ही फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट? खाना दिखाना, खाने की फोटो लेना एक पार्ट है, मगर खाना असली में बनाना अपने आप में एक टास्क है। एंड दैट्स द रीजन टुडे आई हैव जस्ट टर्न द टेबल। आज फोटो मैं दिखाऊंगा, खाना आप बनाएंगे और रिव्यू मैं करूंगा। आपकी आज की थीम है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का नाम ही सुनते हुए आई वाज लाइक, हैव आई जस्ट एंटर्ड अ ज़ेरॉक्स का दुकान। शेफ ने जब मुझे कहा कि फोटोकॉपी करना है तो मैं ये सोची थी मुझे बचपन में कॉपी नहीं हुआ, मैं अब कैसे कॉपी करूंगी। आपको बनानी है एक डिश जिसकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा और वो डिश बिल्कुल उस फोटो से मैच करनी चाहिए। इट हैज टू बी आइडेंटिकल। इतना ही करना है, स्कूल से मैं कॉपी करते जा रही हूँ, आई बी फाइन। और आज की ये थीम शुरू करने से पहले आपको करनी होगी एक टास्क, और वो टास्क है हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोज एग। या अल्लाह, ऐसा टास्क कौन देता है? पोस्ट एग सुनते ही आई वाज लाइक, रोज तो खाती हूँ, इट विल नॉट बी दैट हार्ड। पोस्ट एग्स मैंने पहले नहीं बनाए। मैं आपके पोस्ट एग को चेक करूंगा उसकी रनी कंसिस्टेंसी पे और उसकी फाइनल शेप पर। रिमेंबर, पोस्ट एग इज अ वेरी सेंसिटिव डिश, इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट, यू हैव टू एक्सेल इन इट। यू हैव टू मेक श्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर नेवर एक्सीड्स 88 डिग्री सेल्सियस। आपको इस टास्क को करने के लिए दिए जाएंगे पूरे 10 मिनट। अगर आपकी टेक्निक है सही तो आप बना पाएंगे एक 5-स्टार होटल जैसा बढ़िया दिखने वाला पोस्ट एग। इस टास्क को जीतने वाले कंटेस्टेंट को मिलेगा एक एडवांटेज, और वो एडवांटेज क्या होगा पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। एंड एज वी ऑल नो, द वर्ल्ड इज बैटलिंग विद दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक, हाइजीन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। इसीलिए हमने आपके स्टेशन पे रखा है फाइन का ये स्टरलाइज बॉक्स। इसमें वो सारी चीजें हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ इन द किचन, जैसे कि स्टरलाइज टिश्यूज, मास्क, ग्लव्स, यूज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो चलिए हाथ धोते हैं और शुरू करते हैं आज की ये टास्क। लेकिन याद रहे, जीतेगा वही जिसकी टेक्निक होगी सही। सो योर टास्क स्टार्ट्स नाउ। मैं जैसे ही उसको शिफ्ट कर रही थी अंडे को, वो अंडा ही बह गया।
I used the tea strainer just to take out the extra liquid. But then when I saw the egg and the white completely separately, I'm like, ye to gaya. When I was trying to take out the poached egg, half of it was left in the pot and I was like, meri naiya hi doob gayi hai. And time up. Okay, Sachi, देखे कि आपका पोस्ट एग सच्ची में कैसा बना है। Okay, yes, chef. इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ? What do you think? How this poached egg is? It's not runny. Not runny? Where are the egg whites? You know where is the egg white? ये देखिए आपका egg white कहाँ है? अगर ये एग वाइट इसके साथ होता तो बनता ये पोस्ट एग। प्रॉब्लम नंबर टू, दिस बॉटल वॉज फुल इन द बिगिनिंग, करेक्ट? यस। यू मेड द वॉटर ओवर एसिडिक। ओनली टू टी स्पून ऑफ विनेगर इन 1 लीटर ऑफ वॉटर। यस शेफ, माय टेक्निक वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। So I think that because, you know, time was running out, I, instead of pouring just like, you know, a teaspoon, I ended up spilling more than required. अंडा एक बहुत बेसिक चीज़ है, चाहे वो तला हो, चाहे वो बॉइल्ड हो, चाहे वो पोस्ट हो, वो बन जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं था। I was actually surprised कि उससे क्यों नहीं बना। Ramesha, let's check your plate now. Yes, chef. Poached egg. देखिए, मैं एक poached egg ऐसे चेक करता हूँ, मेरी थोड़ी टेक्निक अलग है। इसको ऐसे हाथ में लेना है with the English muffin and then just check. Yeah, it's dancing. Three, two, one. Wow. The entire yolk is there. Beautiful. Thank you, chef. मेरा पहला वाला अंडा खराब हो गया तो उसका बन जाएगा वो विन कर देगी. But I think the table turned. Sachi, it is quite evident that Ramesha has already won the task. Yes, sir. Ramesha, as per the rule of the game, you get to choose one advantage. Okay. But इससे पहले कि मैं आपको advantage बताऊं, क्योंकि आपने task जीती है, you get to pick up the dish that you want to photocopy first. You have 2 options to choose from. First is the famous Kotkapura Atta Chicken, and the second one is a traditional Mexican tamale. Ramesha, pick up the dish that you want to photocopy. I'll choose this one, chef. Okay, so you picked up atta chicken. Yes, chef. मैंने जैसी atta chicken की picture देखी, मैंने कहा बस ये मेरे पास आएगी। बहुत ही technical dish है ये। Yes, chef. इसके अंदर जो chicken का moisture है, वो बहुत important role play करता है। Yes. Are you sure? I'm giving you a second chance to rethink. Yes, chef. मैं यही बनाऊंगी। जब रोमैसा ने नॉनवेज डिश पिक की, आई वाज लाइक ओके ग्रेट, वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ तो डिसएडवांटेज मेरी एडवांटेज हो गई। कमिंग बैक टू योर एडवांटेज, यू हैव 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ऑप्शन नंबर 1, यू कैन क्वारंटीन सच्ची फॉर 10 मिनट्स, जिसका मतलब ये है सच्ची 10 मिनट के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है सिवाय आपको देखने के। ऑप्शन नंबर 2, आप सच्ची की डिश की पिक्चर भी उठा के अपने स्टेशन पर रख लें और उसके बाद सच्ची ये डिश सिर्फ पूरे शो में 3 बार देख सकती हैं और वो भी आपकी परमिशन के साथ। I was like, why didn't I make the poached egg right? I think the first option is better. You want to stop her from cooking for 10 minutes? Yes, chef. Sure? Yes, chef. मैंने गॉड में एडवांटेज के 10 मिनट के लिए उसको पीछे कर देना है, तो मैंने कहा चलो अब अंडा भी नहीं बना तो थोड़ा सा खाना भी देर से बनवाऊंगी उससे। मुझे लगा कि यू नो शी विल गिव मी द डिसएडवांटेज ऑफ ओनली सीइंग द पिक्चर 3 टाइम्स, बट इंस्टेड शी गिव मी द 10 मिनट डिसएडवांटेज व्हिच वाज एक्चुअली एन एडवांटेज फॉर मी। रमेशा, यू विल हैव 50 मिनट्स, यू विल हैव 40 मिनट्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज थीम। गो।
let's start today's theme. Go! Why did I do this? What was going on in my mind? I feel very stupid. Advantage ki acha lag raha hai because meri dish mein zyada time lag raha tha. So mujhe ye acha laga ki mujhe mera time cover ho jayega thoda bahut. It is a very big disadvantage and I wish I could have those 10 minutes back. All I can do now is pray to God and I need to think of a new strategy to speed up and catch up with her. You can start cooking now. मैं बना रही हूँ आटा चिकन एंड थोड़ी सी इनोवेशन के साथ बिकॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर मेथड बट एंड ऑफ रिजल्ट विल बी द सेम. यहाँ कॉम्पिटिशन में बना रही हूँ तो आई नीड टू मैनेज सम टाइम फॉर दैट रीज़न और लेट्स सी क्या होता है बिकॉज घर में तो मैरिनेशन लंबी होती है ये होती है बट हियर आई नीड टू मैनेज दैट टाइम फ्रेम एंड देन आई हैव टू मेक इट. टाइम बहुत कम है आई थिंक वी कैन टॉक लेटर. Romesa? Yes, chef. Time भाग रहा है? Yes, chef. क्या सुंदर दिखता हुआ चिकन है. चिकन एक्चुअली दिख ही नहीं रहा है. चिकन नहीं दिख रहा. आपका दिखेगा? सर ये ऐसे ही कोशिश किया है कि बन जाए मेरा. सेम? ऑलमोस्ट सेम. चलो देखते हैं कैसा बनता है. और साथ में क्या बना रहे हो उसके? साथ में मैं बना रही हूँ तंदूरी फ्राइज. तंदूरी फ्राइज? Yes. तंदूरी फ्राइज एंड अचारी सॉस. अचारी सॉस? यस सर. मगर आटा चिकन तो पहले इतना फ्लेवरफुल है. यस शेफ, उसके साथ और फ्लेवरफुल बनाने के लिए सॉसेस और साइड्स रखे हैं. इज द टेंपरेचर राइट? क्योंकि प्री हीट किया था 180 पर तो आई रिड्यूस इट टू 160 फॉर अ व्हाइल फिर मैं इसको वापस 180. यू थिंक एट 160 यू कैन कुक दिस? जैसा फोटो में चिकन है ना उससे भी बहुत अच्छा बनने वाला है मेरे चिकन. बस वेट करके देखिए. वाओ, यहाँ कुछ स्पेशल बन रहा है. यस शेफ, वी आर मेकिंग मैक्सिकन टमालास. करेक्ट, बट आई डोंट सी एनीथिंग कुकिंग हियर. इट्स राइट हियर, इट्स गोइंग इन द स्टीम. यस, इट्स रेडी. एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद माय कॉन्डिमेंट. I'm making mango salsa and herb sakri. Do you know how much time you're left with? Yes, very less. And I have to hurry up. So do you know what would happen if you don't complete the dish? I'm going to lose this job for sure. And you're happy about it? No, I'm not happy about it. And I'm really trying my best to speed up. इतने सारे flavors ये जो रमेशा combine कर रही है ना, main dish का flavor तो उड़ने वाला है. और सची के केस में खाना बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है. I hope that she will be able to complete the dish. Honestly, I'm really freaking out in my head. I am praying to God, but my tamales are steaming right now when I'm making the condiments. So I think I'm okay. I feel I'm okay. So I am making a mango salsa. It'll go really well with the tamales. And I'm going to be making a herbed sour cream. And if time is okay on my side, I'll make a third condiment as well. मेरे तंदूरी फ्राइज हैं इधर, तो that's what. अब जस्ट मेरे साइड्स हैं, I need a presentation. I hope I just finish it on time. प्लेटिंग के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी नहीं, बिकॉज वो चिकन रैप करना ही एक स्ट्रैटेजी थी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था. दिस दैट कम्स आउट गुड, मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी. आई यूज द न्यूट्रीबुलेट स्टीमर टू स्टीम माय टमाटर्स एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. रमेशा, आखिरी 10 मिनट हैं आपके पास. जब तक आपका चिकन अवन में है तब तक अपनी बाकी की डिशेस फिनिश कीजिए. By now, you should be plating your dish.
last 5 minutes. And time up. Welcome back to Oasis Food Chala Season 9 presented by Fine. Ramesa, Sachi, aap dono ki dish sachi mein taiyar ho gayi hai. Yes, I can see some beautiful plates here. Ab ek suspense batata hu. Maine aapko kaha tha ki aapko dish photocopy karni hai, correct? Yes. Aapko dish ka swaad bhi photocopy karna hai. Let's see who was able to photocopy the dish right. Sachi, we'll start with you first. Present your dish to me, please. Okay. Okay, let's see whether your dish matches the picture or not. क्या ये उसकी एक photocopy है या नहीं? देखते हैं. Husk is there, filling is there. There's a sauce. ये दो साथ में sauce free आए हैं हमारे पास. Quite close. Yes. I hope the taste is good. I hope so too. Let's check. I felt amazing. I'm like, जो भी मेहनत मैंने की, it's finally there. जो भी disadvantage था, I did not even think about it anymore. What's that? That's the masa flour, and inside that I have stuffed a jackfruit filling. Jackfruit? Yes. Interesting. All right, Sachi, let me give you the feedback. First thing first. Tamales originally used to be a portable food. Okay. When the food was wrapped inside the corn husk. Yeah. With masa flour as the outer layer and inside used to be a filling. Traditionally chicken, pork, turkey or beef. And then it used to be wrapped inside the husk and then steamed. Yes. And it was a food which used to be the food on the go. Do you think this is food on the go? It is, but it's with a twist. With a twist? Yes. All right. घर में कभी पराठे पैक करके लेके गए हो बाहर? जी, कई बार. उसमें हम एक चीज का ध्यान रखते हैं. बताइए क्या? कि अच्छी तरह रैप हो. और थोड़ी देर बाद क्या होता पराठे का? ड्राई हो जाता है. बिल्कुल सही जवाब. While wrapping the corn husk, I was unable to fold it over it. And the filling was pouring out. That's the first problem of your dish. They are dry. I need at least a can of water to swallow this. मैं सोच रही थी कि इसका भी moist और dry का चक्कर है और मेरा भी अगर moist और dry का चक्कर हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? Masa flour सिर्फ coating के लिए use होता है, like a outer layer. But here the masa flour is the major filling. Jackfruits are little less. You're trying to save money? Second thing, when you are placing more salsas on the plate, it should be different in taste altogether. The cutting of this mango and pepper salsa is too big. They're not diced properly. This salsa is a bit watery. See? I think I could have done better with my condiments for sure. Sachi, अगर अपनी smartness cooking में दिखाती तो शायद she could have known के salsa में पानी नहीं होता and she must strain the water out and then do the dressing. Overall, I think the only savior here is the taste.
I just love the combination of jackfruit and masa. It is a nice sweet element, a bit of salt, and the spicy salsa added value to this dish. Good job. Thank you so much, chef. Thank you. Uska to ho gaya, ab mera kya hoga, Ramesa? Ramesa? Yes, chef. Ab bari aapki. Dekhen aapne kya dhamal machaya hai is atta chicken ke saath? Yes, chef. Bring it to me. रमेशा, यस चेफ, बहुत कुछ बनाया आपने. यस चेफ, आई थिंक फोटो से ऊपर जाके आपने कुछ बनाया है. यस yes. तो फटाफट से मुझे बताइए क्या बनाया है. मैंने आटा चिकन बनाया है एंड विद दैट माय साइड्स आर द फ्रेंच फ्राइज विद द तंदूरी सॉस और इसके साथ मैंने अचारी सॉस रखा है. वाओ, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. यस, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखें इस फोटो को. क्या आपको लगता है रमेशा, ये पिक्चर मैच हो रही है आपस में? काइंड ऑफ. Kind of. बताइए मुझे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? वो फुली ब्राउन है, ये थोड़ा सा ब्राउन है. ब्रावो, पहली प्रॉब्लम आपने खुद पकड़ ली. आपका पहला नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी डिश और मेरी पिक्चर आपस में मिसमैच है. मैं तो बस, मैंने कहा मैं लग गया, पता नहीं क्या होगा अब, क्योंकि बस मैच नहीं करी तो शायद अब मैं उनकी एक्सपेक्टेशन से शायद मैच नहीं कर रही होंगी. I was like, yes, that's what you get for giving me a disadvantage. This is evenly browned. It has got nice glaze on top of it. And this one looks a bit dry and the dough is not cooked properly. घर का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर, डिफरेंट काइंड ऑफ ओवन्स जो होते हैं, इसमें फर्क पड़ता है. तो शायद इस इधर कुछ ऊपर नीचे हो गया. बट आई होप कि इसके अंदर जो चिकन है दैट इज गुड. Alright? Yes, chef. चलिए ट्राई करते हैं इसको. आप इसमें से धागा निकालना भूल गए. You forgot to remove this thread. बस जो हो गया वो हो गया, कर दिया मैंने. उस थ्रेड की वजह से आई वाज लाइक मैं तो आज जीत जाऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. द चिकन इज कुक्ड. Beautiful. Thank you so much. Meat is just leaving the bone on itself. I don't need even to cut this. Thank you so much. Very nicely done. Congratulations on this. Thank you so much. बड़े बड़े शेफ ऐसे कुक नहीं कर पाते, और वो भी जो दिख ना रहा हो, और उसके बावजूद खाने में इतना स्वाद हो, इतने कम टाइम में बने, जिसको मैरिनेट ना करा जाए, इसके लिए वाकई में आपको दी जाएगी एक राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you so much. She got a very big bang on comment and I was a little nervous then. मैं बस सोच रही हूँ कि मैं जीत गई, और अगर ना भी जीती तो ये कमेंट ने मुझे जिता दिया. मगर हर कहानी में कुछ दुख भी होता है. आपकी कहानी में जो फीकापन है वो आया है आपकी साइड्स और सॉसेस के साथ. There is a big complexity in the overall flavors. Your tandoori sauce, your achari sauce and the marination in the chicken. They all are amazing if I try them alone. But if I try and mix them together and eat it, I am just confused. मेरा प्लान ए था कि मैं इसका चिकन बटर चिकन सॉस बनाऊंगी, बट देन आई वॉज लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो फिर मेरा प्लान बी हो गया था. एक शेफ की टास्क होती है टू मैरी द फ्लेवर्स. इट हैज टू बी लाइक एन अफेयर. यू शुड एंजॉय इट. पोटेटोज, तंदूरी सॉस. I think अगर handmade potatoes बनाते या potatoes को flat करके कुछ बनाते या oven में bake करते, roast करते, तो I think बहुत बढ़िया flavor आता, थोड़ा smoky aroma आता. Fried के साथ तो it's just like a French fries. But overall I think you did a good job with the taste. You guys are very close. रुमेसा के जो chicken में thread निकला है,
I think that is going to save my life. I'm very confused. Let's see kya hota hai. तो ये था ना बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन. एक ने मारी बाजी टेस्ट और टेक्निक में, तो वहीं दूसरे ने मारी बाजी टेस्ट और प्रेजेंटेशन में. बट देयर हैज टू बी ओनली वन विनर टुडे, और वो कंटेस्टेंट जिसने फोटोकॉपी को भी कर दिया ओरिजिनल है सच में रमेशा. तो ये था आज का फोटोकॉपी चैलेंज. मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक और कड़क चैलेंज के साथ. दिस इज अक्षय नय्यर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सेट्स ऑफ फूडशाला. It's a Gay Company production.